हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो राम राम सभी को, जय श्री राम सभी भाइयों को। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने कर दी हुई है। हम सुबह सुबह ही जो है अपना हायाबुसा लेके जो निकल पड़े हुए हैं अपने नए ब्लॉग की तरफ। तो आज का हमारा जो ब्लॉग होने वाला है वो हम करेंगे कोल डैम को एक्सप्लोर, जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। तो आज इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ये कितने मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं सलापड़ में। तो यहाँ पे जो है वो ब्यास नदी का पानी जो है वो सतलुज नदी में मिलता है। तो ये जो है आपकी सतलुज नदी है, और ये जो आ रही है ये आपकी ब्यास नदी है जो सुंदरनगर से होके आती है। तो यहाँ पे जो है वो ब्यास नदी और सतलुज नदी में मिलती है। तो इस जगह का नाम जो है वो सलापड़ है। तो यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यू है। कहाँ पे है वाटरफॉल है? अच्छा, उधर से पानी कम छोड़ते हैं। ठीक है, तो आगे तो गाइस आगे से हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ का वाटरफॉल है। अभी तो शायद पानी नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पे पहले छोड़ते थे। तो आगे आपको दिखाते हैं, आओ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वाटरफॉल है जो सलापड़ में ही पड़ता है। तो यहाँ से जो था पहले, काफ़ी टाइम पहले जो था वो यहाँ से पानी छोड़ा जाता था, और वो पानी जो है वो इस वाले दूसरे वाले रोड पे जो था वो टच होता था, जिसकी वजह से जो रोड था वो बिल्कुल ख़राब हो जाता था। तो उसकी वजह से जो है वो अब यहाँ से पानी छोड़ना जो है वो बंद कर दिया हुआ है। यहाँ से अब पानी नहीं छोड़ा जाता है, पहले छोड़ा जाता था, अब तो गाइस अभी हम जो है वो कोल डैम में पहुँच गए हैं। अगर कोल डैम की हिस्ट्री के बारे में मैं बात करूं तो जो हमारा कोल डैम है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। तो ये हमारा बिलासपुर मेन बाज़ार से आपको 22 किलोमीटर दूर पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है वो बाया गागस बैरी बरमाणा सलापड़ टू कोल डैम जाना पड़ेगा। और अगर मैं कोल डैम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये हमारा 320 मीटर जो इसकी ऊँचाई है, और लंबाई में ये हमारा 474 मीटर है, और 14 मीटर जो है वो चौड़ा है। और डैम में हमारे 800 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। और कंपनी की बात करूं तो जो कंपनी कोल डैम है, जिसके अंडर कोल डैम है, वो एनटीपीसी कंपनी है जिसके अंडर जो है वो कोल डैम है। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सी नदी पे ये बना हुआ है, तो ये हमारा सतलुज नदी पे बना हुआ है। 2000 में जो था इस डैम की नींव रखी गई थी, लेकिन जो काम स्टार्ट हुआ था डैम का वो 2004 से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। गर्मियों के दिनों में घूमने के लिए ये बेस्ट प्लेस है। जो भी हमारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं उनसे जो है वो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। तो जो भी हमारे शिमला साइड या मनाली साइड या बिलासपुर में है, तो उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक बार कोल डैम आके जरूर देखें। तो गाइस, अभी हम आपको लेके चलते हैं जो बांध बनाया हुआ है उस पे लेके चलते हैं। ये तो हमारा जो टॉप व्यू है डैम का, वो मैंने अभी आपको दिखाया। अभी चलते हैं जो हमारा बांध वगैरह बना हुआ है जहाँ से पानी वगैरह छोड़ते हैं, तो वहाँ पे चलते हैं। पहले वो था कोल डैम व्यू वहाँ देखने के लिए कहाँ, अच्छा खुला ना, पर अब पता नहीं क्या बंद कर दिया है वो जो बनाया हुआ है स्लॉट सा ना। हाँ, अभी तो बंद है ना। तो फ्रेंड्स, बने रहिए ब्लॉग के साथ, चलते हैं। तो गाइस, अभी आप जो देख रहे हो ये हमारा जो है वो मतलब पानी छोड़ने वाला गेट है। तो यहाँ से जो है वो पानी छोड़ा जाता है, दिन में शायद दो बार छोड़ा जाता है, एक सुबह और एक शाम के टाइम। तो गेट नंबर एक, और एक इस साइड को है, ये आप भी देख सकते हो, यहाँ पे एक वहाँ पे गेट है। तो यहाँ से जो है वो पानी छोड़ा जाता है। बाकी यहाँ पे जो है वो ये रेलिंग वगैरह लगा दी हुई है, पहले यहाँ पे रेलिंग नहीं होती थी। तो अभी जो है वो शायद एक दो साल में जो है वो यहाँ पर रेलिंग वगैरह लगा दी हुई है। तो ये देख सकते हो आप, नीचे अभी यहाँ पे काम चला हुआ है, शायद से बांध वगैरह क्या ऐसा जैसा बना रहे हैं कुछ।
तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।